मधुपुर नगर पार्षद सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर परिषद द्वारा सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों सहित लोक जागृति केंद्र संस्था व होटल आदित्य इन को मधुपुर शहर को साफ स्वच्छ रखने सहित लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मधुपुर नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने कहा कि बापू के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। उनके अहिंसा, सद्भावना, सअस्तित्व एवं आपसी सहयोग के विचार हमेशा हमारे लिए प्रासंगिक रहेंगे। वे आजीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। उनके इस सिद्धांत को पूरी दुनिया ने अपनाया है। यही वजह है कि उनके जन्म दिवस को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके विचारों का पालन करके ही हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वे देश के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं और हमें उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। ऐसे में यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अहमियत देकर स्वच्छ समाज व स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना में अपना योगदान देते हैं तो वास्तव में यही बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत, कनिष्ठ अभियंता दयाशंकर, अरविंद तिवारी, वार्ड पार्षद सहित नगर परिषद कर्मी मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।